जय हिंद दोस्तों, तो मैं हूँ अभिषेक और बहुत हो स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पे। और आज के वीडियो में करेंगे गेम प्ले GTA 5 का। अब यार कल रात मैं ऐसे ही GTA 5 खेल रहा था रैंडमली, मेरा कोई गेम प्ले रिकॉर्ड करने का प्लान नहीं था, लेकिन अचानक से होता है कि क्या है कि मेरे को ट्रेवर का फ़ोन आता है और ट्रेवर बोलता है कि भाई उसको मिला एक इंडियन विलेज। अब मैं वही एक्साइटेड हो गया और मैंने कर लिया स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन, और अब करते हैं ट्रेवर को फ़ोन और पूछते हैं कि कहाँ है वो इंडियन विलेज और क्या वो हमें वहाँ पर लेके जाएगा। तो ये मैंने फ़ोन निकाला और किया ड्राइवर को फ़ोन और इनकी चलेगी यहाँ पे थोड़ी सी बातचीत। तो बातचीत सुनो आप, ये क्या बोलते हैं एक दूसरे से। Hey T, so you want to do something? I'm bored, man. I thought you'd given up on me. Sure, come by, friend. Anytime you like. Great, I'll be there soon. तो जैसे ही इनकी बातचीत खत्म हुई, मैंने निकाली अपनी R15 और चला मैं ट्रेवर को लेने। और बाइक राइडिंग की स्किल्स तो आपको मेरी पता ही होगी, पुरानी वीडियो देखी है, अगर नहीं देखी तो इस वीडियो में देख लो बाइक राइडिंग में कितनी अच्छी करता हूँ GTA 5 में। तो आप जो मेरी बाइक राइडिंग की स्किल्स को इंजॉय करो और मिलते हैं सीधा ट्रेवर से मिलने के बाद। तो यहाँ पे मैंने गाइस ट्रेवर को सेलेक्ट कर लिया एज अ प्राइमरी कैरेक्टर, क्योंकि यार यही है वो बंदा है जो हमें इंडियन विलेज लेके जाएगा। तो फ्रैंकलिन बैठ गया इसके पीछे और ट्रेवर लेके चलेगा हमें इंडियन विलेज में। और जाते जाते ये लोग कुछ बातें कर रहे थे कि कैसा इंडियन विलेज है, क्या क्या इसने ट्रेवर ने वहाँ पर देखा और क्या क्या ये फ्रैंकलिन को वहाँ पर दिखाने वाला है। तो थोड़ी सी बारिश भी हो रही थी, तो बाइक में धीरे चलाने की कोशिश करूँगा, जितना धीरे हो सके उतना धीरे। इससे ज़्यादा धीरे चलेंगे तो पहुँच ही नहीं पाएंगे भाई वहाँ पे, क्योंकि इंडियन विलेज यहाँ से बहुत दूर है, क्योंकि ये इलाका शहर का और इंडियन विलेज जो गांव का इलाका है, तो गांव में जाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। इसलिए बाइक आराम से चलाएंगे, लेकिन उतने आराम से नहीं चलाएंगे कि कल तक ही पहुँचे हुए, ठीक है। तो बाइक राइडिंग स्किल्स आप यहाँ पर भी इंजॉय करो। And thank the universe, Brad was a dick. How you been, kid? Fine, but enough with the kid. It's kind of annoying. Sorry, kid. Sorry. I just you're a good kid. You got potential. I see it. Mikey obviously saw it the moment he met you, but let's be honest. You need a real guy in your life.
Because that bit's yours. Who you choose to learn from. Sure, dog. Thanks for the advice. तो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं इंडियन विलेज में। ये अंदर को लिया टर्न और दिखाई दिया पीपल का बड़ा सा पेड़ और बाइक लगाते हैं यहाँ पे। सबसे पहले देख लेते हैं कोई चलान वाला ना मिले यार, क्योंकि आपको पता है इंडिया में ये सब होता ही है। चलान वाला मिल गया तो हेलमेट डाला नहीं है, पीछे वाले ने डाला, आगे वाले ने डाला नहीं। और ये रहा वो पीपल का पेड़ जिसके बारे में आपको बता रहा था, जहाँ पे सारे गांव के लोग बैठ के अपनी बातचीत करते हैं। और ये साइड में गाय या भैंस जो भी है ये, और अंदर रखे हुए थे मिट्टी के मटके जो कि शायद पानी को ठंडा करने के लिए रखे हुए थे। और ये गलती से मेरे को इस भैंस को एक लात पड़ गई, माना नहीं चाहिए वैसे, लेकिन गलती से पड़ गई थी यहाँ पे। और यहाँ पे अंदर कुछ सामान रखा हुआ था, गोदाम टाइप का लग रहा था मेरे को। और बाहर वो गुज्जरों की बाइक होती है ना, जो दूध वाले की बाइक जिसको कहते हैं, वो लगी हुई थी, ये रही। और आगे बैट और बॉल रखा हुआ था, और विकेट देखो ईंटों की विकेट बनाई गई थी। और उसके अलावा ये साइड में था एक छोटा सा पार्क टाइप या खेत टाइप आप इसको बोल सकते हैं, जहाँ पे बहुत सारे पेड़ लगे हुए थे। और पेड़ों के बीच में भैंसे और गाय अपना चारा खा रही थी, और इनको जरा सा धक्का लग रहा था और ये गिर जा रही थी। देख सकते हो आप, जरा सा धक्का लगा और ये सारी भैंसे नीचे गिर गई, लेकिन उठ भी गई उसी टाइम। और इनको ऐसे धक्का देने में मज़ा आ रहा था। अब देखो एक और को पड़ेगा, ये देखो सीधा नीचे गिर गई भाई, जैसा धक्का बढ़ते ही भैंस नीचे। तो चलो यार, बस इनके साथ मस्ती बहुत हुई। अब दिखाते हैं आपको मेन चीज़ ये रही, ये अपना इंडियन हैडपम्प, और इसके साथ में है टॉयलेट। अब टॉयलेट के अंदर जाएंगे भाई, देखो क्या क्या आपको देखने को मिलेगा इसके अंदर। और जैसे ही मैं अंदर गया, साइड में कौवा पड़ा था और अंदर चूहा मरा पड़ा था एक। देखो बाहर जाके दिखाता हूँ मैं आपको, व्यू अच्छा नहीं आ रहा था। ये देखो अंदर एक चूहा मरा पड़ा है और साइड में कौवा मरा पड़ा है। अब देखो यार, इंडियन टॉयलेट्स की हालत तो ऐसी ही होती है, खासकर गांव साइड की। और ये साइड में एक और हेडपम्प था, और हेडपम्प के साथ ही भैंस एक और खड़ी हुई, शायद भैंस को पानी पिलाने के लिए बकेट रखी हुई थी। और साइड में हेडपम्प, और इसके अलावा झंडा लगा हुआ था किसी का, और वो पीछे अपनी बाइक, और ये साथ में पीपल का पेड़। बंदा मेरे को कोई नहीं दिखा यहाँ पे, लेकिन अभी हम पे अटैक होगा एक। ये देखो बम फटना शुरू हो गए थे और हम पे अटैक होने वाला था। ये गांव के लोग हम पे अटैक करने आ गए थे, क्योंकि हम इनके विलेज में घुस आए थे। और देखो क्या ही सीन हो गए यहाँ पे, दो तीन बंदे आएंगे लेकिन उनसे निपट जाएंगे आराम से। लेकिन हम यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लोर कर रहे थे विलेज को, कि और क्या क्या है यहाँ पे अपना इंडियन। और तो हमें कुछ खास मिला नहीं, बस ये गली क्रिकेट के लिए ईंटों की विकेट बनाई गई थी, और बैट बॉल यहाँ पे रखा हुआ था, और ये देखो बकेट पड़ी हुई थी, और ये भाई अपना इंडियन स्टाइल में बेड, और बेड के साथ रखा हुआ है हुक्का, जो गांव के लोग होते हैं ना हुक्के वाले वो। और ये अपनी वो विकेट, इसको मैं गिराने की कोशिश कर रहा था लेकिन गिर नहीं रही थी। अब मैं जैसे ही यहाँ पे फायरिंग करूँगा, और यहाँ गांव के लोग अलर्ट हो जाएंगे और वो हम पे हमला करने के लिए आ जाएंगे। एक दो ही आए थे फिलहाल तो, लेकिन उनको हमने संभाल लिया था। अब देखो कैसे आते हैं वो। लेकिन उससे पहले मैंने ये दूध वाले की बाइक उठाई, और ये मैं चक्कर मारने लगा था एक छोटा सा। मैंने सोचा एक दूध वाले की बाइक की एक राइड कर लूँ छोटी सी। और जैसे ही मैं यहाँ पे बाइक लगाता हूँ, तो ये गांव के लोग गुस्सा हो जाते हैं और हम पे गोलियाँ चलाना शुरू कर देते हैं। देखो आप, अब हम इनकी देंगे। तो गोलियाँ चलाए गए इन पे, फ्रैंकलिन मेरे को फायर आई थी, ये देखो ये इसने मार दिया फ्रैंकलिन ने, और फिर से गोलियाँ चला रहा है। ये देखो एक दो बंदे आए थे, वो तो हमने आराम से मार दिए, कोई ज़्यादा टेंशन की बात नहीं थी यहाँ पे। हाँ तो यार दोस्तों, बस ये था इंडियन विलेज। अगर आपको ये मोड पैक अपनी GT5 के लिए चाहिए तो नीचे कमेंट करो, मैं इसके ऊपर वीडियो लेके जरूर आऊँगा। साइज़ की बात करो तो वही 10-15 MB का साइज़ होगा, और इंस्टॉलेशन प्रोसेस भी बहुत ही आसान है।
एक बार में ही आप सीख जाओगे, तो कमेंट करो अगर आपको ये वीडियो चाहिए इसके ऊपर। तो आता है दोस्तों बस इन वीडियो में, वीडियो पसंद आए तो लाइक करो और साथ साथ ऐसी और गेम प्ले वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। तो बाय बाय यार, मैं तो आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।